नमस्कार। कोरोना वायरस को देखते हुए हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं, और कल आपको फेसबुक में हमने एक क्वेश्चंस दिए थे। कुछ वो क्वेश्चंस थे आपका एरर से संबंधित क्वेश्चंस थे, जिसको हम आज उसको मतलब कि डील करेंगे। और लेकिन इससे पहले जो है आपको ये हम बता दें कि ये इसी तरह क्लास जो है आपको हम भेजते रहेंगे, ये वीडियो बनाकर, और आप इसको फेसबुक में और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो है आपको देखना है कि ये जो है रीड ईच ऑफ द सेंटेंसेस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक और एरर इन इट। क्या इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है या मिस्टेक है, उसको आपको खोजना है। द एरर इफ एनी विल बी इन टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ओके, ये दो पार्ट्स में होगा, इस सेंटेंस के दो पार्ट्स में होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ दोज पार्ट्स इज द आंसर, और उसी का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका आंसर का पार्ट होगा। इफ नो पार्ट इन द सेंटेंस हैज एन एरर, यदि किसी भी पार्ट में एरर नहीं होता है तो आप जो है अपना जो आंसर सेलेक्ट करेंगे वो नो एरर होगा, दैट इज 5 नंबर होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट हस्बैंड्स कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड विदाउट नो प्रूफ ऑफ देयर गिल्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है, ये आदेश दिया है कि हस्बैंड्स यानी कि पति जो हैं उनको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है बिना किसी प्रूफ के ऑफ देयर गिल्ट। अगर आप यहाँ पर बिना किसी प्रूफ, विदाउट अपने आप में जो है नेगेटिव है, और प्रूफ तो यहाँ पर जो है उसके गिल्ट यानी कि उसके दोषी का जो प्रूफ है, अगर वो आप नहीं देते हैं तो आप अगर इसको हिंदी में समझें तो आप इसको कह सकते हैं कि विदाउट एनी प्रूफ ऑफ देयर गिल्ट। अगर आप उसके कोई भी गिल्ट मतलब कि कह सकते हैं कि अगर उसको किसी भी तरह का गिल्ट अगर नहीं है, अगर वो पेश नहीं करते हैं तो हस्बैंड्स को जो है वो प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। एंड रूल्ड, तो पहला सेंटेंस में जो आपका गलती हुआ वो बी नंबर में हुआ, वहाँ पर नो के बदले में आप एनी लगाएंगे, विदाउट एनी प्रूफ ऑफ देयर गिल्ट। एंड रूल्ड, और इसने रूल्ड भी दिया है मतलब रूलिंग दिया है, दैट इवन अ सिंगल फॉल्स डॉरी कंप्लेंट अगेंस्ट द हस्बैंड एंड इन लॉज वर सफिशियंट ग्राउंड फॉर कोर्ट्स टू ग्रांट डिग्री ऑफ डाइवोर्स टू एनल द मैरिज। तो यहाँ पर जो है बी के अलावा आपको क्या मिला, बी के अलावा जो है आपको डी नंबर में वर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो उसके लिए ये है कि उसने जो इवन अ सिंगल फॉल्स डॉरी कंप्लेंट, ये जो है आपका वाज का यानी कि जो वर्ब होगा यहाँ पर जो वर के जगह में होगा उसका सब्जेक्ट है। तो इवन अ सिंगल फॉल्स डॉरी कंप्लेंट अगेंस्ट द हस्बैंड एंड इन लॉज वाज सफिशियंट ग्राउंड फॉर कोर्ट्स, यानी कि ये अपने आप में पर्याप्त होगा कोर्ट्स के लिए कि वो जो है किसी भी डाइवोर्स के डिक्री यानी कि आदेश को ग्रांट करें टू एनल द मैरिज, यानी कि मैरिज को एनल करने के, एनल मतलब निरस्त करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा क्या, एक तो हो गया बी और दूसरा हो गया डी। आगे बढ़ते हैं दो नंबर क्वेश्चन में। पीपल इन लार्ज नंबर्स वर विटनेसिंग द लॉन्च ऑफ स्पेस एक्स रॉकेट एट फ्लोरिडा। सम ऑफ द पीपल वर स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट वॉच ऑन स्क्रीन्स व्हाइल अदर्स वर एंजॉयिंग ऑन टीवी। इसका आपको पहले हम हिंदी में बता देते हैं कि ज़्यादातर संख्या में जो है वो स्पेस एक्स रॉकेट का लॉन्च जो हो रहा था फ्लोरिडा में, उसको देख रहे थे, उसको विटनेस कर रहे थे। उनमें से कुछ पीपल जो कि खड़े थे स्ट्रीट में, और खड़े होकर क्या कर रहे थे, वो देख रहे थे स्क्रीन्स को व्हाइल अदर्स वर एंजॉयिंग ऑन टीवी, जबकि दूसरे कुछ अन्य लोग जो हैं उसको एंजॉय कर रहे थे टीवी पर। तो यहाँ पर आपको क्या गलती लगा, तो गलती जो है
सबसे पहले जो है आपका बी नंबर में है, वो बी नंबर में कैसे है, पीपल इन लार्ज नंबर्स, यहाँ बिल्कुल सही है। उसके लिए वर्ब ही यूज होगा क्योंकि ये पीपल जो है अपने आप में प्लूरल है, तो वर विटनेसिंग द लॉन्च ऑफ स्पेस एक्स रॉकेट इन फ्लोरिडा, नॉट एट फ्लोरिडा, किसी भी बड़ा जगह को अगर आप मतलब कि एक्सप्रेस करते हैं तो इन फ्लोरिडा, यदि आप इसको ऐसे करते हैं कि एट फ्लोरिडा इन अमेरिका, ठीक है, या जैसे आप कह सकते हैं इन पूर्णिया, लेकिन जब आप इसको बिहार के संदर्भ में अगर देखना चाहेंगे तो एट पूर्णिया इन बिहार, ठीक है। सम ऑफ द पीपल वर स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, इनमें से कुछ जो लोग थे वो खड़े थे, कहाँ पर, स्ट्रीट, स्ट्रीट में खड़े थे, सड़कों पर खड़े थे, और सड़कों पर खड़े होकर वो क्या कर रहे थे, वॉचिंग ऑन स्क्रीन्स, यानी कि वो वॉच कर रहे थे स्क्रीन्स को, जबकि अदर्स जो हैं वो इंजॉय कर रहे थे टीवी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, पहला तो हो गया बी नंबर और दूसरा हो गया आपका सी, वॉच के जगह में वॉचिंग हो जाएगा, ठीक है। वॉचिंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो जो है आपका एक तरीके से वो क्लॉज से जुड़ जाएगा, ये जो है आईएनजी हो जाएगा, ठीक है। तो पीपल वर स्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पर वर्ब ऑलरेडी है आपका, सम ऑफ द पीपल वर स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, ठीक है, वो मेन वर्ब वहीं पर स्टैंडिंग ही है आपका। तो वॉचिंग क्यों हुआ, तो पीपल हु वर वॉचिंग, ठीक है ना, या पीपल जो कि स्क्रीन पर मतलब स्क्रीन को वॉच कर रहे थे व्हाइल अदर्स वर एंजॉयिंग ऑन टीवी। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर में, तीसरे नंबर में है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन एम्पल ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हिच गेव अस लिबर्टी एंड फ्रीडम without any constraints, but we have often been unreasonable ignorant of our fundamental duties. यहाँ पर आपको किसी टाइप का अगर लगा तो आप देखें एक बार फिर से गौर से देखें इसको, constitutional has given, ये बिल्कुल सही है, has के साथ भीतर ही आता है, ample of fundamental rights, मतलब बहुत सारे प्रचुर मात्रा में आपको fundamental rights दिए हैं constitution ने, which gave us liberty and freedom without any constraint. तो आप सबसे पहले ये समझ लें कि ये जो वाक्य शुरू हो रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट से शुरू हो गया, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है ये, तो यहाँ gave us नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, which has, या which has given us, तो which has given us liberty and freedom, यानी कि हमें जो है ये लिबर्टी दिया है और फ्रीडम दिया है बिना किसी बाधाएं का, ठीक है ना, विदाउट एनी कॉन्स्टेंट्स, बट वी हैव ऑफन बीन अनरीजनेबली इग्नोरेंट, इग्नोरेंट जो है वो एडजेक्टिव है होता है, तो एडजेक्टिव के पहले जो है हम एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज़ करते हैं, क्योंकि अनरीजनेबल भी अपने आप में एडजेक्टिव ही है, और यहाँ पर जो है इग्नोरेंट को जो है आप अनरीजनेबल से क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए अनरीजनेबली इग्नोरेंट यहाँ होगा ऑफ आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फिर से बी और सी, यानी कि आंसर हो गया आपका तीन नंबर, राइट। चौथे में आइए, आई एम डिसअपॉइंटेड दैट द न्यूज कमिंग फ्रॉम द अपर हिल मार्केट आर बैड। सबसे पहले आप बेसिक ये चीज पढ़े ही होंगे, हर हमेशा पढ़ते ही होंगे कि न्यूज जो होता है वो सिंगुलर होता है, और इसके लिए सबसे पहले तो आपको दिख गया होगा कि आर होगा नहीं, क्योंकि न्यूज जो है आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं निराश हूँ, आई एम डिसअपॉइंटेड दैट द न्यूज कमिंग फ्रॉम द अपर हिल मार्केट, जो कि अपर हिल मार्केट से जो आ रही है, ठीक है ना, इज बैड, ठीक है, आर नहीं होगा वहां पर, बिकॉज आई वॉज प्लानिंग टू आइदर विजिट द रिसोर्ट, और आइदर के साथ जब भी हम दूसरे वाक्य को जोड़ते हैं तो और से जोड़ते हैं, आइदर विजिट द स्टोर रिसोर्ट और
परचेज गिफ्ट्स फ्रॉम द शोरूम। तो वहाँ पर बट ऑल्सो के बदले में और आ जाएगा, क्योंकि बट ऑल्सो जुड़ता है नॉट ओनली से, ठीक है, ये डबल कंजंक्शन होता है, तो इसको जो है हम इस तरीके से जोड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फिर से बी, यानी कि आर के बदले में इज, और बट ऑल्सो की जगह में और हो जाएगा, आइदर और, राइट, यानी कि आपका आंसर हो गया बी और सी, यानी कि तीन नंबर, राइट। आगे बढ़ते हैं पांच नंबर में, इवन दो प्राइम मिनिस्टर एज वेल हाई लेवल मिनिस्टर्स हैव गॉन टू द प्लेनरी मीटिंग ऑफ एनएसजी, ओके मेंबरशिप, बट टू डिप्राइव इंडिया फ्रॉम असर्टिंग एन इन्फ्लुएंस, चाइना डोंट वांट इंडिया टू बी इंडक्टेड इनटू द ग्रुप। तो यहाँ पर आपने देखा ये चीज, यानी कि इवन दो का मतलब क्या होता है, इवन दो और इवन इफ, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है, यानी कि इन स्पाइट ऑफ, यानी कि इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर जो हैं एज वेल हाई लेवल मिनिस्टर जो हैं वो हैव गॉन टू द प्लेनरी मीटिंग ऑफ एनर्जी मेंबरशिप, एनर्जी मेंबरशिप के जो प्लेनरी मीटिंग होती हैं उसमें ये मतलब प्राइम मिनिस्टर और जो हाई लेवल मिनिस्टर जो हैं उसमें सम्मिलित हुए थे, बट टू डिप्राइव इंडिया फ्रॉम असर्टिंग हर इन्फ्लुएंस, लेकिन इंडिया को वंचित करना अपने इन्फ्लुएंस को, अपने प्रभाव को जाहिर करने से, उसको लगाने से, चाइना डू नॉट वॉन्ट इंडिया टू बी इंडक्टेड इन टू द ग्रुप, चाइना नहीं चाहती है कि इंडिया को शामिल किया जाए ग्रुप में, राइट। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर जो है आप देखिए, इवन दो प्राइम मिनिस्टर एज वेल हाई लेवल मिनिस्टर्स, तो आप हर हमेशा याद रखिए एज वेल वगैरह आए, ठीक है, एज वेल टुगेदर विथ, इस टाइप के जितने भी कंजंक्शन आते हैं जो, ठीक है, उस सब के साथ जब भी, केवल एंड को छोड़कर, अगर यहाँ पर ये रहता इवन दो प्राइम मिनिस्टर एंड हाई लेवल मिनिस्टर्स, तब यहाँ पर बिल्कुल हैव गॉन बिल्कुल सही होता, लेकिन एज वेल हाई लेवल मिनिस्टर्स जो है इससे कोई मतलब ही नहीं रह जाता है वर्ब का, ठीक है, क्योंकि वर्ब जो है अपना एग्री करता है वो पहले वाले सब्जेक्ट से जो कि इवन दो के बाद है, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, जो कि सिंगुलर है, तो इवन दो प्राइम मिनिस्टर एज वेल हाई लेवल मिनिस्टर्स हैज़ गॉन टू द प्लेनरी मीटिंग ऑफ एनएसजी मेंबरशिप, बट टू डिप्राइव इंडिया फ्रॉम असर्टिंग इन हर इन्फ्लुएंस, ठीक है, चाइना डू नॉट, चाइना जो है अपने आप में सिंगुलर है, तो चाइना के साथ डू नॉट कभी नहीं होगा, डज नॉट वॉन्ट इंडिया टू बी इंडक्टेड इन टू द ग्रुप, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी और ए, यानी कि ए और डी, दो नंबर, राइट। आगे बढ़ते हैं छह नंबर में आते हैं, अमेरिका हैज कवर्ड इट्स फेलियर्स इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन एंड हैज मेड अलायंस टू डू डर्टी वर्क इन द मिडल ईस्ट विदाउट इवन टचिंग द सब्जेक्ट ऑफ क्राइसिस इट्स एक्शंस हैव लेड टू। बड़ा अच्छा ये सेंटेंस है और अच्छे तरीके से लिखा गया है, आप इसमें इसको जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले तो आप ए में आइए, अमेरिका हैज़ कवर्ड इट्स फेलियर्स, यहाँ कोई गलती नहीं है क्योंकि अमेरिका सिंगुलर है और हैज़ बिल्कुल सही है, वहाँ पर हैज़ कवर्ड इट्स फेलियर्स। आगे आते हैं इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, यहाँ तक भी कोई गलती नहीं है, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाम पर अमेरिका जो है अपने फेलियर, अपने असफलता को छिपाया है, एंड हैज़, यहाँ भी गलती नहीं है, हैज़ मेड अलाइज, यहाँ जो है मेड के बाद जब भी आप यूज़ करते हैं तो बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, वहाँ पर फुल इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं होता, हैज़ मेड अलाइज डू डर्टी वर्क, टू डू नहीं होगा, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद जो है हम जनरली ये जो ग्रामर का ये नियम ही है उसके साथ जो है हम हर हमेशा खासकर एक्टिव सेंस में बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, तो हैज़ मेड अलाइज डू डर्टी वर्क इन द मिडल ईस्ट विदाउट इवन टचिंग अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ क्राइसिस,
its actions have led to. It's यानी कि अमेरिका का एक्शन जो क्रियाकलाप है जिसके कारण ये क्राइसिस हुआ है, ठीक है ना। तो उस सब्जेक्ट को बिना उस पर विचार करते हुए, बिना उसको रेफर करते हुए, यानी कि टच अपॉन का जो मतलब होता है मेंशन करना या रेफर करना, ठीक है। तो विदाउट इवन रेफरिंग द सब्जेक्ट या विदाउट इवन मेंशनिंग द सब्जेक्ट ऑफ क्राइसिस इट्स एक्शंस हैव लेड टू, राइट। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा क्या, एक तो हो गया बी नंबर, यानी कि टू डू नहीं होगा वहाँ पर, केवल डू होगा, और दूसरा हो गया आपका सी नंबर, यहाँ पर टचिंग अपॉन हो जाएगा, ये टचिंग ऑन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सात नंबर में। आफ्टर ही हैड रिसीव द प्राइज फॉर हैविंग ब्रॉक द रिकॉर्ड, ये बहुत आसान है, चूंकि आप हैविंग के साथ हमेशा वी थ्री का यूज करते हैं, तो हैविंग के साथ वहां ब्रोकन हो जाएगा, ये बहुत आसान था। तो आफ्टर ही हैड रिसीव्ड द प्राइज फॉर हैविंग ब्रोकन द रिकॉर्ड हिज कोचेस वर रियली प्राउड ऑफ हिम एज ही वॉज ओनली वन ऑफ द रेसर टू पार्टिसिपेट इन द रेस बिफोर टर्निंग 20। तो यहाँ क्या होगा फिर, दूसरा नंबर क्या आप ढूंढेंगे इसमें, He was only one of the racers. One of के बाद हर वक्त जो है वो plural आता है। One of the racers to participate in the race before turning 20. यानी कि after he had received the prize for having broken the record. यानी कि record तोड़ने के बाद जो उसने prize लिया था या रिसीव किया था, उसके कोचेस जो थे वो काफ़ी उसको लेकर गौरवान्वित थे। एज क्योंकि, एज का मतलब क्योंकि, बिकॉज कह सकते हैं इसको आप, एज ही वॉज ओनली वन ऑफ द रेसर्स, क्योंकि वो एकमात्र रेसर्स में से एक था जो पार्टिसिपेट कर रहा था इस रेस में बिफोर टर्निंग 20, 20 साल होने से पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और सी, यानी कि तीन नंबर, राइट। आठ नंबर में आते हैं। इट इज हाई टाइम वी टुक अ नोबल स्टेप टुवर्ड्स प्लेजिंग एंड डोनेटिंग, आपको हम ये बताते हैं, इट इज हाई टाइम, इसके बाद हर हमेशा जो है हम वी टू का यूज करते हैं, वी टुक, ये कहा जाता है कि आप ऐसा काम जिसको आपको कर लेना चाहिए था वो अभी तक हुआ नहीं है और उसे कर लेना चाहिए अब, तो इट इज़ हाई टाइम वी टुक अ नोबल स्टेप टुवर्ड्स प्लेजिंग एंड डोनेटिंग आवर आइज एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय में, सो दैट मिलियंस ऑफ पीपल, ताकि लाखों लोग कैन गेट टू सी द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के सुंदरता को देख सकें, बिकॉज क्योंकि द आई इज द विंडो टू द वर्ल्ड, क्योंकि आई जो होते हैं वो विंडो होता है वर्ल्ड को देखने के लिए, एट द सेम टाइम ठीक उसी समय ये जो है आपके आत्मा के लिए भी एक विंडो होता है देखने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है आपका कोई भी एरर नहीं है, तो आपका आंसर होगा पांच नंबर, राइट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नौ नंबर में। The government decision to invest large sum of money in startups have opened new doors for many. यहाँ पर गलती पकड़ में आ गया, क्योंकि government का जो decision है वो singular है और यही है आपका जो subject है, ठीक है। तो government का decision, क्या decision? Sum of money, large sum of money को invest करने का startups में has opened new doors, इसने एक नए द्वार को खोल दिया, किसके लिए? For many, बहुत सारे लोगों के लिए। इट इज़ नाउ प्लानिंग, ये जो है अब प्लानिंग कर रही है टू रोल आउट अ स्कीम ऑफ लोन्स फॉर क्रिएटिंग ऑफ पूल ऑफ एंटरप्रेनर्स टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर गलती फिर से निकल आया। इट इज़ नाउ प्लानिंग टू रोल आउट अ स्कीम ऑफ लोन्स, किसके लिए? फॉर क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एंटरप्रेनर्स, यानी कि एक समूह, एक पूल ऑफ एंटरप्रेनर्स को तैयार करने के लिए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल किया जा सके, उसको डील किया जा सके, उसे निपटा जा सके। तो आंसर हो गया आपका क्या, बी नंबर, हैव के जगह हैज, और
सी नंबर, क्रिएटिंग के जगह में क्रिएशन। ओके, तो आपका आंसर हो गया बी और सी, यानी कि आंसर क्या हो गया, एक नंबर। ओके, लास्ट नंबर में आते हैं, दस नंबर में, ये है सुपर कंप्यूटर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ द कंप्यूटेशनल साइंस एंड गिव अस इजियर एक्सेस। ओके, ये गिव अस इजियर एक्सेस, यहाँ पर कोई पहले से तुलना नहीं हो रही है जो आप इजियर एक्सेस देंगे, यहाँ पर इजी एक्सेस लगाइए, क्योंकि अगर किसी से तुलना होती तो हम कंपेरिजन कंपेरेटिव फॉर्म का यूज़ करते हैं। सैमुअल क्रे एट कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन दैट इज CDC वॉज फर्स्ट, तो फर्स्ट के साथ जो है हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, वो डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, वहाँ पर द हो जाएगा, वॉज द फर्स्ट टू डिज़ाइन एंड बिल्ड अ सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला हो गया आपका बी और दूसरा हो गया आपका डी, यानी कि बी और डी, यानी कि तीन नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन था कल का जो हमने आपका आपके फेस मतलब मैंने अपने फेसबुक वॉल पर पोस्ट किया था कल, आपको पहले से दे दिया था कि आप उस पर उसको देखें, उसको समझें और हमारे साथ डिस्कस करें। आज का क्वेश्चन जो है वो क्लोज टेस्ट पर मैंने डाला है अपने पोस्ट पर, उसको आप देखिए। कल फिर हम आएंगे, और कल नहीं सोमवार को आएंगे, और सोमवार को जो भी आपको पूछना है और अब जो भी होगा वो सेम डे का एडिटोरियल होगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं या न्यूज़पेपर आप उसका जीरोक्स कॉपी रख सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर मंगवा के आप रख सकते हैं, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक। बहुत बहुत धन्यवाद।